सोलो वर्सेस कोड भाई लिटरली पक गया हूँ मैं ये खेल खेल कर। तो राम राम भाई सभी को, दोबारा से आ चुके एक और न्यू वीडियो के साथ में। और इस वाली वीडियो में हमने पूरे हैंगर को खाली कर दिया था, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रैंक मैच में हमने अभी तक सिर्फ एक ही मैच ऐसा खेला है जिसमें हमने लगभग 15 से ऊपर किल किए हैं, और वो मैच ऑलरेडी अपलोडेड है, यानी कि आप लोगों के पास वो वीडियो आ चुकी है, आप जाके देख सकते हो। बट शायद मेरे को खुद को नहीं पता है कि वो वीडियो कौन सी है, तो होप करता हूँ कि आप लोग ढूंढ लोगे। इतने तो दिमागदारी हो भाई आप लोग। देखो यहाँ पे नॉर्मली क्या हुआ था, सोलो वर्सेस कोकड़ा मैच नहीं था, ये सोलो वर्सेस सोलो का मैच था। तो यहाँ पे मेरे को M18 मिल चुकी थी इस वाली पेटी से, बहुत बढ़िया बंदा था यार, लूट बढ़िया अच्छी खासी थी उसके पास में। लेकिन यहाँ पे ये दो ही बंदे नहीं थे, और भी बंदे थे जो इस वाले वेयर हाउस के ऊपर थे। अब देखो यहाँ पे एक बंदा ऊपर भागते हुए गया, मैंने उसको लगभग 60-70 तक का डैमेज दे दिया था, बट लिटरली वो बंदा वहाँ से निकल गया। बट मेरे पास एक बढ़िया तरीका था, क्योंकि मेरे को पास यहाँ पे किसी ना किसी क्रेट में मेरे को स्कारल दिखी थी जो मैंने उठा ली थी, एंड यहाँ पे एक बंदा मेरे को दिखा, मतलब स्पॉट हुआ, एंड लिटरली यार ये बंदा खड़ा होकर आई डोंट नो क्या कर रहा था। लेकिन भाई लिटरली लेवल 1 की स्कारल का डैमेज इतना ज़्यादा है, तो लेवल 3 की सपोज करो इस बंदे को आई थिंक 40 तक का डैमेज तो पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गन है भाई। लिटरली यार इसका रेट ऑफ फायर बढ़ता है नहीं बढ़ता, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाती है लेवल 3 पे जाने के बाद में। अब मेरे को कैसे करके यहाँ पे 4 किल निकाल लेते, मैं सपोज करके आए थे यहाँ पे हैंगर के बाहर बंदे आएंगे तो मैं 4 किल जरूर से करूँगा, और यहाँ पे मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैंने 4 किल करके यहाँ पे 39 बंदों पे ही मैंने 4 किल कर लिए थे। सोच रहा था कि यहाँ पे ये मैच हमारा जो है बुआ हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं भाई, आई डोंट नो क्यू, बट बहुत ज़्यादा बुरा हुआ मेरे साथ में यहाँ पर। देखो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो मैं उस बंदे को लूट करने के लिए जाता हूँ, बट मेरे को ऐसा लग नहीं रहा था कि वहाँ पे एक और बंदा है, क्योंकि वो बंदा पीछे की साइड से किसी बंदे को फिनिश कर रहा था, यानी कि दूसरी साइड से, जिस बंदे की पेटी ऑलरेडी बन चुकी थी मेरे जाने से पहले। अब पता नहीं इस बंदे ने फिनिश किया था, दूसरा बंदा था, तो अभी बंदों के पास चलते डायरेक्टली। भाई बंदे किसी को चैन से जीने नहीं देते भाई, सच बता रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली मैं लूट कर रहा था ऐसे मस्त, लेकिन बंदे आ रहे तो भाई किल आ रहे तो आने दो, रोकना नहीं है किसी भी बंदे को, है ना। तो यहाँ पे देखो सामने वाले बंदे को मैं लूट करने के लिए जा रहा था, बट मुझे एक और बंदा साइड में स्पॉट हुआ, बट उस बंदे ने मेरे को पहले ही लोकेशन दे दी थी। बट भाई देखो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो बंदा मेरे को दिखा ही नहीं, मतलब मैच खेलते टाइम नहीं दिखा, मतलब ऐसा होता था भाई कई बार कि हम लोग जो है यू घुमाते लेकिन वो बंदा आता नहीं, और रिकॉर्डिंग में आ जाता है कई बार, तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो यहाँ पे इस बंदे को मैंने जो है ग्लूवल नेट फेंक, मतलब ग्लूवल तोड़ने वाला नेट फेंका, लेकिन ये बंदा भाई बाहर निकल गया, तो मैंने इसको ऐसे फिनिश कर दिया। भाई पता नहीं ये टेढ़े ग्लूवल क्यों लगते भाई मेरे, क्या पता मैं कुछ ज़्यादा ये स्क्रीन को घुमा देता हूँ इसलिए टेढ़े ग्लूवल लग जाता है। तो यहाँ पे 6 किल करने के बाद में हमारे पास थी एक चाबी जिससे हम लोग इसको खोल सकते थे, मतलब चाबी नहीं थी मेरे पास में, मैं चाबी स्पोर्ट कर रहा था, यानी कि ढूंढ रहा था कि भाई कहीं पे मुझे चाबी मिल जाए। तो चाबी मिलने के बाद में मैंने उस जो था वो अर्सनल को ओपन किया था मैंने, सही बता रहा हूँ भाई, अर्सनल को ओपन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आई थी। तो भाई अर्सनल की लेके हम लोग निकल गए थे अपने इस वेयर हाउस को, यानी कि अर्सनल को खोलने के लिए, और यहाँ पे इसको खोलने के बाद मुझे क्या मिला पता है, आप लोग खुद ही देख लो भाई, MP5 लेवल 3 की, जो कि मैं चलाता ही नहीं हूँ भाई, मेरे को कोई ऐसी का, भाई मैं तुम लोगों को दे दूँ इसका रल अपनी साल हो, मतलब अर्सनल लिया किस बात के, की किस बात के लिए तुम लोगों ने। भाई पहली बात तो ये बोलते हैं कि आगे मतलब एक कांच खुला रखते हैं कि अंदर भाई गन है, देख लो कौन कौन सी गन है, फिर खोल लो, लेकिन भाई हमें जल्दी है भाई, हम लोगों को बंदे को फिनिश करना है भाई, हमें टाइम नहीं हमारे पास में, हम रश करने वाले बंदे हैं, मतलब मजाक कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा भी मैं तगड़ा नहीं खेलता हूँ। बट भाई देखो सोलो वर्सेस कोड खेलते खेलते लिटरली पक गया हूँ, है ना, बहुत बार मेरा भुइया हो जाता है लेकिन बहुत बार मैं अटक जाता हूँ। तो यही सीन यहाँ पर मेरे साथ में हुआ, देखो यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने इस बंदे को स्पॉट कर लिया, यहाँ पे एक बंदा था अंदर की साइड में, बट वो बंदा जो है अंदर की तरफ भाग गया। भाई दिमाग देखना इस बंदे में कितना दिमाग है, इसको मैंने यूँ फेंक दिया। अब देखो यहाँ पर ये बंदा है, इसको तो मैंने हेडशॉट से फिनिश कर दिया, लेकिन हमारे जो 8वां किल था वो होता ये बंदा, मैं इजीली इसको तोड़ सकता था, बट यहाँ पे इस बंदे ने जो है नायरी कैरेक्टर लगा रखा भाई साहब, मतलब इतना हरामी और इतना चंट बंदा कैसे हो सकता है कोई, मतलब एक दो बंदा जो है डिमित्री ले रखा है और ऊपर से नायरी और चोरी, ऊपर से सीना चोरी, यार ये तो गलत बात है। मैंने देखा यहाँ से अगर मैं सो जाऊँ तो मेरे को बंदा इजीली दिख सकता है, लेकिन ये बंदे ने इधर भी ग्लूवर लगा दिया भाई, मतलब कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये वाला बंदा कुछ ऐसा सीन कर रहा था मेरे साथ में। बट भाई मैंने कुछ भी नहीं किया इस बंदे का, मैंने बोला भाई तू लूट कर, लेकिन बंदे को बाहर आना तो आने दो ना। अब यहाँ पे मैं सोच रहा था कि इस बंदे को मैं हेडशॉट से ही फिनिश करूँ तो वही मेरे लिए शायद बेटर ऑप्शन होगा, लेकिन इस बंदे को बहुत बढ़िया डैमेज देने के बाद भी ये बंदा खुद को पैक कर लेता है। अब मेरे पास नेड नहीं था भाई, नेड होता तो मैं इस बंदे को अभी की अभी फिनिश कर देता। अब यहाँ पे फेंका मैंने नेड, कोई मतलब नहीं निकला, मेरे डैमेज बढ़ा फिर भी,
तो यहाँ पे मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर मैं इजीली चढ़ के उस बंदे को स्पोर्ट कर सकता हूँ यहाँ से, यानी कि उसके हेड को वगैरह चेस मतलब देख सकता हूँ, लेकिन वो बंदा खुद ही अपना ग्लोल तोड़ने में लग रहा है, तो भाई मैं क्यों वेस्ट करूँ यहाँ पे। अब ये बंदा बाहर निकलेगा और उसको मैं फिनिश कर दूंगा, सीधी सी बात है। तो यहीं पे अपनी वीडियो खत्म हो जाएगी। तो फिलहाल आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम सभी को। और हाँ, रैंक मैच में बहुत ही जल्दी 16 वर्सेस कोड की जो है वीडियो आने वाली है, तो वेट करो थोड़ा बहुत, और मेरा हाथ जो भी बैठ नहीं रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।